नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। और आज हम आपको बताएंगे पीटीटी स्पेशल थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में एडमिशन के समय आपको जमा करवाने होंगे और आप ऑनलाइन पेमेंट है वो किस तरह से कर पाएंगे और आप अपने अलॉटमेंट लेटर को किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे, सबसे पहले आपको अपना पीटीटी का मेन वेबसाइट है वो ओपन कर लेना है। उसके बाद में फॉर पीटीटी स्टूडेंट है उसके दो नंबर ऑप्शन है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर थर्ड राउंड काउंसलिंग, ऐसे ही बीए का भी है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर थर्ड राउंड काउंसलिंग, उसी तरह से बीएससी बीएड का भी है। तो आप अपना क्लिक करेंगे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर तो आपके रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, जो जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो आप ऑफलाइन ही करें। और दोस्तों, काउंसलिंग आईडी है वो आपके रिजल्ट में है तो जिनको कॉलेज अलॉटमेंट होती है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, वो अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी कॉलेज फीस है वो जमा करवा सकते हैं और आप यहां से कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो वो अपने नंबर और कॉलेज का नाम है वो ज़रूर कॉमेंट में पोस्ट करें। और दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। के बाद में जैसे ही आपको महाविद्यालय आवंटन की सूचना मिलेगी तो पीटीटी के मेन वेबसाइट है उस पर भी आपको लिंक मिल जाएगा और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा और कॉलेज से भी आपके पास फ़ोन आ जाएगा। अगर आपके पास फ़ोन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वेबसाइट से भी अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम बताते हैं आपको कि 22,000 रुपये आपको किस डेट में जमा करवाने होंगे। तो दोस्तों, 10/8/2018 से 14/8/2018 तक आप शाम को 4 बजे तक अपनी कॉलेज फीस है 22,000 रुपये वो जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन जमा करवाते हैं, अगर नेट बैंकिंग से जमा करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा 61 रुपये का, और अगर आप ATM से जमा करवाते हैं तो आपका चार्ज रहेगा 250 रुपये का। उसके बाद में आपको तृतीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग करनी होगी, उसकी डेट है 10/8/2018 से 14/8/2018 तक अलॉटमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको एडमिशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो भी हम आपको बताएंगे, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। दोस्तों, बुक स्टोर में अगर आप बुक खरीदते हैं और अगर आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है या बुक आपको बुक स्टोर में नहीं मिलती है वो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं वो भी कम रेट में। तो आइए दोस्तों, हम आपको बुक खरीदने के बारे में बताते हैं। और दोस्तों, जब भी आप बुक खरीदते हैं बुक स्टोर से तब आपको कुछ किताबों में डिस्काउंट दिया जाता है और कुछ किताबों में डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, ये भी कंफर्म नहीं होता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो आपको अमेजोन पर जो सभी बुक मिलेगी वो सभी ओरिजिनल बुक होगी, ओरिजिनल प्रकाशन की होगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ऑनलाइन बुक खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों, अभी अमेजोन पर फ्रीडम सेल चल रही है, 9 अगस्त से 12 अगस्त तक अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, साथ में आपको जो बुक है वो ओरिजिनल रेट में दी जाएगी, आपको जितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए उतना ही दे होगा, आपके साथ मनमानी नहीं होगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने 3-4 बुक के नाम लिखे हैं, आप देख लें, जो कि राजस्थान जनरल नॉलेज से संबंधित है, करंट जीके उनमें तो आप देख सकते हैं। साथ ही आप अमेजोन से कोई भी सामान खरीदेंगे 9 अगस्त से 12 अगस्त तक तो आपको अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए दोस्तों, पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट नहीं किया है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर लें, तो उसके एक नंबर पेज में यहाँ पर दिया है कंटिन्यू सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो ये फॉर्म आपको जमा करवाना अनिवार्य है, ये फॉर्म आपसे मांगा जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करना होगा एडमिशन के समय। एक नंबर पर है बैंक चालान की प्रति,
ऑनलाइन पेमेंट की रसीद। दोस्तों आपने 5,000 रुपये का जो ऑनलाइन पेमेंट किया उसकी रसीद, दूसरा आपने कॉलेज फीस 22,000 रुपये जमा करी है उनके पेमेंट की रसीद, चाहे आपने ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन, और उसके बाद है आवेदक द्वारा घोषणा पत्र। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो सेकंड पेज है वो आवेदक द्वारा घोषणा पत्र ही है, तो आपको उसमें साइन करना है और आपको कॉलेज में जमा करवाना है। उसके बाद 3 नंबर पर सेकेंडरी या समकक्ष की अंक तालिका। दोस्तों आपको 10वीं की मार्कशीट या 10वीं के बराबर जो भी आपने कोर्स किया है उनकी अंक तालिका। 4 नंबर पर सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष की अंक तालिका। 12वीं का सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और साथ में 2-3 कॉपी 10वीं 12वीं डॉक्यूमेंट, जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं इन सभी की आपको 2-2 कॉपी रखनी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद में 5 नंबर पर है स्नातक या समकक्ष की प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की अंक तालिका। दोस्तों आपको बीए हो या बीएससी हो उसकी आपको फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की तीनों मार्कशीटों की फोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल। 6 नंबर पर है स्नातकोत्तर या समकक्ष की अंक तालिका। दोस्तों अगर आपने एमए कर रखी है, पीजी कर रखी है, तो उसकी अंक तालिका भी आपको दोनों ईयर की साथ में ले जानी होगी। अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो रिजल्ट की इंटरनेट कॉपी है वो आप सेल्फ अटेस्टेड कर अपने डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट कर सकते हैं अपनी अलॉटमेंट कॉलेज में। उसके बाद में है मूल निवासी प्रमाण पत्र। जिन अभ्यर्थियों ने सेकेंडरी से स्नातक तक की शिक्षा राजस्थान से प्राप्त की है उन्हें मूल निवास की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आपने 10वीं से ग्रेजुएशन तक अगर आपने राजस्थान से ही पढ़ाई की है, राजस्थान से आपने सभी कोर्स किए हैं, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में 8 नंबर है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी के लिए अनिवार्य है। आपको जाति प्रमाण पत्र आपके साथ में लगाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जब आप एडमिशन लेने जाएं तब आपसे मांगा जाएगा। और महिला अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र है, अगर वो विवाहित है तो उनका जाति प्रमाण पत्र है वो उन्हीं की तहसील से बनवाया हुआ होना चाहिए, उनके पीहर का ही जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। और उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आप में से कोई विकलांग है तो आपको अपना विकलांग होने का प्रमाण पत्र है वो भी साथ में जमा करवाना होगा। पॉइंट नंबर 10 है विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र आपको जमा करवाना होगा। और 11 नंबर पॉइंट है तलाकशुदा होने पर न्याय निर्णय या फिर डिग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र सैनिक या भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित होने पर सक्षम अधिकारी या जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। और दोस्तों ये तो था सब डॉक्यूमेंट। अगर इनके अलावा भी आपके पास अगर शैक्षणिक योग्यता का या फिर अन्य किसी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन संबंधित, वो भी आप जमा करवा सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम शपथ पत्र पर बात करते हैं कि शपथ पत्र में आपको क्या क्या उनके नियम हैं वो मान्य होने चाहिए। 1 नंबर है मैंने पीटीटी की परीक्षा 2018 से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। 2 नंबर है मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा या कहूँगी। 3 नंबर है मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दंडित नहीं किया है। और 4 नंबर है किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले में प्रकरण संबंधी पूर्ण वास्तु स्थिति के साथ पीटीटी 2018 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूंगा और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात ही न्यायालय में न्यायिक प्राप्ति हेतु कार्रवाई करूंगा। इसी तरह से दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है आवेदन में कमी त्रुटि होने तथ्य छिपाने गलत तथ्य देने की वजह से पात्रता नहीं रखने पर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने हेतु मेरी सहमति है। उसके बाद में मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र परीक्षा परिणाम अंक तालिका महाविद्यालय आवंटन पत्र इत्यादि अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड किया है। उसके बाद है 7 नंबर पॉइंट मूल निवास प्रमाण पत्र। जिन अभ्यर्थियों ने सेकेंडरी से स्नातक तक की शिक्षा राजस्थान से प्राप्त की है उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेजों को मैं प्रवेश के समय आवंटित स्थान के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है महाविद्यालय आवंटन के बाद किसी भी प्रकार के स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा या करूँगी।
उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट है, मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ, अगर सेवारत हूँ तथा प्रवेश होने की स्थिति में मैं विभाग से अनुमति अवकाश लेकर पाठ्यक्रम में नियमित रहूँगा या रहूँगे। उसके बाद में 11 नंबर पॉइंट है, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं होने पर काउंसलिंग समाप्ति के पश्चात मेरे द्वारा जमा रजिस्ट्रेशन प्रवेश शुल्क राशि मेरे द्वारा काउंसलिंग पत्र में प्रदत्त विवरण वाले मेरे बैंक खाते में या मेरे नाम से चेक के द्वारा पुनः लौटाई जाती है। दोस्तों आप अपना घोषणा पत्र है वो दोबारा से पढ़ लें और उसके नीचे आपको साइन करना है, और उसके बाद में जो 2 नंबर पेज है उसके आपके डॉक्यूमेंट है उसके सामने आपको राइट का निशान लगाना है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसके बाद में आपको अपना साइन करना है। और दोस्तों वेबसाइट पर आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के नाम से एक लिंक है वो जारी कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको अगर कॉलेज अलॉटमेंट होती है तो एक लेटर जारी होगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको अपने चालान का पेमेंट है वो सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। दोस्तों अगर आप चालान है ऑफलाइन करो अच्छा होगा, अगर आपके पास अगर आपके नज़दीक ICICI बैंक है तो आप ऑफलाइन ही जमा करवाइए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जमा करवाएंगे और कहीं आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो 22,000 रुपये हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद में जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है वो 48 घंटे के बाद में होता है, और कभी कभार है वो पैसे रिफंड भी हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपना ऑनलाइन पेमेंट है वो ना करवाएं। अगर आप करवाते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन मेरी राय के अनुसार आप ऑफलाइन ही चालान जमा करवाइए। और उसके बाद में जिन अभ्यर्थी को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है, उसके बाद में जो स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो उसको 22,000 रुपये का चालान है वो जमा नहीं करवाना है, उसके एड्रेस पर है 4,400 रुपये का चेक है वो आ जाएगा। अगर दोस्तों किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है तो ये लास्ट काउंसलिंग है, फोर्थ काउंसलिंग नहीं होगी, इसलिए आपको चेक से 4,800 रुपये रिफंड हो जाएंगे जिस अभ्यर्थी को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है। और दोस्तों बीएड का सिलेबस है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, MGSU यूनिवर्सिटी का सिलेबस है आप देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट 5,000 रुपये का चालान जमा करवा देता है और कॉलेज की फीस भी अगर जमा करवा देता है और अगर एडमिशन नहीं लेता है तो उनको भी 26,500 रुपये बाई चेक के द्वारा रिफंड हो जाएंगे। और दोस्तों पैसे रिफंड होंगे वो लगभग आपको 2 महीने के अंदर अंदर सभी के पास है वो चेक से रिफंड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो PTT के संबंध में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना है कॉलेज अलॉटमेंट के समय। और दोस्तों जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है PTT 2018 में किसी भी काउंसलिंग में, तो वो टेंशन ना ले, अगले साल अपने बीएड है वो कर सकते हैं। अगर वो दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर बाहर से करना चाहें तो जम्मू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।